गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति मापन। समाज मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु मनोवृत्ति को ही माना जाता है। व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव, अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है। व्यक्ति पर हमेशा अन्य व्यक्तियों, विभिन्न समुदायों तथा संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। इन तथ्यों का प्रभाव व्यक्ति के मनोवृत्ति निर्माण पर पड़ता है। पहले लोग ऐसा समझते थे कि मनोवृत्ति को जानना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसे मापना संभव नहीं है। परंतु बाद में मनोवृत्ति मापन के लिए कई स्केल विकसित हुए, जिनके माध्यम से मनोवृत्ति का मापन आसान हो गया। स्केल कहने का अर्थ है कि किसी चीज़ को मापना, जैसे वेट, हाइट आदि। मनोवृत्ति मापन के लिए जो स्केल या मापन किया गया है या विकसित किए हैं, उनमें निम्नलिखित हैं। थर्स्टन मापनी विधि। मनोवृत्ति मापनी का निर्माण 1929 ईस्वी में थर्स्टन एवं चेव ने किया था, जिसके अध्ययन से युद्ध, मृत्युदंड से संबंधित व्यक्ति की मनोवृत्ति मापने का प्रयोग किया गया। आज भी इस विधि का अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। थर्स्टन स्केल को इक्वल अपेयरिंग इंटरवल स्केल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आम तौर पर किसी दिए गए अवधारणा निर्माण के प्रति दृष्टिकोण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसी विषय के प्रति प्रतिवादी के व्यवहार दृष्टिकोण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इस पैमाने में किसी विशेष विषय के बारे में जो कथन होते हैं, जहां प्रत्येक कथन का संख्यात्मक मान होता है, तो विषय के प्रति उत्तरदाताओं के रवैये की अनुकूल या प्रतिकूल के इंगित करता है। जहां प्रत्येक कथन का संख्यात्मक मान होता है, तो विषय के प्रति उत्तरदाताओं के रवैये को अनुकूल या प्रतिकूल में इंगित या दर्शाता है। थर्स्टन ने जो स्केल बनाया, उसमें 7 से 11 बिंदु या पॉइंट्स होते हैं। इसमें एक किनारे पर पूर्ण स्वीकृति तथा दूसरे किनारे पर पूर्ण अस्वीकृति होती है, तथा केंद्र बीच में तटस्थ श्रेणी को रखा जाता है। इसमें प्रयोज्य से किसी खास वस्तु या व्यक्ति के प्रति निर्णय प्राप्त किया जाता है। इस विधि की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे इसमें निर्णायकों का सहयोग लिया जाता है, उसके आंकड़े संख्या में होते हैं, जिससे इसके विश्लेषण में आसानी होती है। इस स्केल का निर्माण करने के लिए सबसे पहले मापी जाने वाली मनोवृत्ति से संबंधित सैकड़ों प्रस्तावनाओं या कथनों के अंतर्गत पूर्ण स्वीकृति से अस्वीकृति तक सम्मिलित होती है। केवल समस्या से संबंधित स्पष्ट एवं निश्चित कथन ही
सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले शमु में ऐसे कथनों को रखने के लिए कहा जाता है जिसे निर्णायकों द्वारा पूर्ण स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद ऐसे कथन आते हैं जिन्हें पहले कथन से कम स्वीकृति दी जाती है। इसी प्रकार अंतिम श्रेणी में उन कथनों को स्थान दिया जाता है जिन्हें निर्णायक पूर्ण रूप से अस्वीकृत घोषित करते हैं। छठी श्रेणी में तटस्थ कथन आते हैं। यह उस बिंदु की ओर संकेत करती है जिसे कि निर्णायक जो होता है ना तो उससे सहमत होता है और ना ही असहमत, मतलब कि उसे स्वीकार भी नहीं करता, अस्वीकार भी नहीं करते हैं। इस स्केल में अंतिम रूप से वे प्रस्तावनाएं सम्मिलित की जाती हैं जो सबसे अधिक अनुकूल से सबसे अधिक प्रतिकूल तक फैली हुई है। अतः इन कथनों का पैमाना स्वीकृति से निर्धारित किया जाता है। परंतु इस स्केल के निर्माण में अनेक दोष पाए गए, जैसे इसके निर्माण में अध्ययनकर्ता को कठिन परिश्रम करना होता है, इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है तथा इस स्केल के माध्यम से व्यक्ति की मनोवृत्ति को विभिन्न कथनों के विभिन्न उत्तरों के मध्य मूल्य से मापा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कथनों के उत्तर देने में भी अनेक बार दो व्यक्तियों के कुल गुणांक समान हो जाते हैं। अतः मनोवृत्ति में अंतर होता है पर उन्हें एक ही श्रेणी में स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार इस स्केल में कुछ दोष हैं, परंतु इन दोषों के बावजूद भी मनोवृत्ति मापन की यह एक श्रेष्ठ विधि बताई गई है। थैंक यू।